हेलो थोड़ा पीछे आ जाओ। पीछे पूरा सा लाइट सकते हैं ज़्यादा ग्रुप नहीं मिलेगा। मतलब उधर ही जाइए थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर मतलब फिर नहीं तो बैक आएगा। हाँ समझते हैं हम उन्हें समझते हैं। अभी कहने सुनने वाला जो वो पीरियड था वो पहले दूसरे तीसरे साल का वो निकल चुका है। सो वो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। वो भी बहुत खुश हैं, वो तो कब से खुशियाँ मना रहे हैं। काउंटडाउन हो रहा था एंड फाइनली द डे हैज़ कम।
they're happy. Content नहीं हो जाता एक इंसान एक टाइम के बाद. That's the feeling. जब तक ये शो है तब तक चाहे 10 साल तक क्यों ना हो. ऑनेस्टली ट्विस्ट तो आई डोंट नो, बट हाँ ये कहूँगी कि ये शो अभी आप देखते रहेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. मुझे पता है आपको इस शो के हर कैरेक्टर से बहुत लगाव है और वो लगाव होना भी चाहिए. लेकिन उसके अलावा स्टोरी भी बहुत अच्छी होगी, आगे आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये रिश्ता यूं ही आपके और हमारे बीच में बना रहे और यूं ही ये कारवां चलता रहे. अगले अब हमारी मुलाकात होगी 3000 एपिसोड्स के बाद. अभी तो फिलहाल हमने एक छोटा सा केक कटिंग रखा था, विल डेफिनेटली थ्रो अ पार्टी, तो तब मज़ा आएगा. तो आपको बुलाएंगे जब पार्टी थ्रो करेंगे. आई थिंक खुशी अब क्या जाहिर करें, बिकॉज इतने साल हो चुके हैं, ये शो इतने सारे माइलस्टोन्स अपने लिए क्रिएट कर चुका है, एक हिस्ट्री ही बना चुका है अपने आप में. मेहनत हम लोग करते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो आंकड़ा है हमारे शो का वो बढ़ता जा रहा है. आज 2000 हो गए हैं एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो आई होप कि ये जर्नी कभी ख़त्म ही ना हो, यूँ ही चलती रहे और जो लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है यूँ ही हमें मिलता रहे. आई होप वी कैन कीप एंटरटेनिंग देम लाइक वी हैव एंटरटेन देम इन द पास्ट. 2000 आई थिंक एक आदत ही होगी हमें एक दूसरे की कहीं ना कहीं. जब तक वो लोग हमें देख नहीं लेते शायद खाना हजम नहीं होता है. आई स्टिल रिमेंबर पहले साल से जितने भी जेंट्स होते हैं जब भी मुझे मिलते हैं पर्सनली कहते हैं सर आपकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता है घर पे, बिकॉज जब आपका शो चलता है बीवियाँ खाना नहीं देती हैं, दे वांट टू सिट डाउन एंड वॉच यू कि अरे नैतिक आगे नैतिक. सो बहुत गालियाँ भी पड़ी हैं बट आई थिंक दैट्स द वे जो प्यार लोगों की तरफ से हमें मिला हैज़ जस्ट केप्ट अस गोइंग. एंड आज भी वही एक चीज़ है जो हमें वो ड्राइव देता है कि हम लोग काम पे आए फिर से बैठे मेहनत उतनी करें. सो दैट इज शायद हमारी खुराक है. मुझे आने वाले एपिसोड्स में काफ़ी कुछ आ रही हैं. ये जो ट्रैक हांगकांग का आया है बीच में जहाँ पर मैं कू को लेकर अब वापस घर में आ गया हूँ, आई थिंक ये काफ़ी एक अलग ही ट्रैक है जो अभी इतनी जल्दी तो लोग नहीं देख पाएंगे बिकॉज अभी हांगकांग का भी टेलीकास्ट नहीं हुआ. सो आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और कुछ अलग है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा है. सो आई होप यू गाइस एंजॉय इट. अभी जो ये केक कटा है बस वही सेलिब्रेशन है या और भी कुछ होगा? आई थिंक देखते हैं, अपनी अपनी सेलिब्रेशन है सबकी ही. लेकिन या वी आर गेटिंग बैक टू वर्क राइट नाउ, अभी फिर से शूटिंग ही करनी है रिज्यूम. तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम लोग अपनी अपनी पार्टी करते रहते हैं कहीं ना कहीं और करेंगे एक और बड़ा सा जब एक और अचीवमेंट होता है तो फिर हम तब करते हैं. थैंक यू.